रिंकू नाम का एक लड़का एयरपोर्ट पर बैठा हुआ अपनी फ्लाइट का वेट कर रहा है, पर तभी अनाउंसमेंट होती है कि दिल्ली से जयपुर जाने वाली फ्लाइट डिले हो गई है। अरे यार ये क्या हो गया, अब तो और इंतजार करना होगा, ठंड भी बहुत है। ऐसा करता हूँ कैफे चलता हूँ और वहाँ चलकर चाय पीता हूँ। रिंकू कैफे में जाकर चाय पीने लगता है। उसके बाद वो वॉशरूम जाता है और जब वॉशरूम से वापस आता है तो वो देखता है कि उसका फोन तो गायब है। डिटेक्टिव जे भी पास में ही था, इसलिए वो उसके पास आया। चिंकू उसे पूरी बात बताता है। डिटेक्टिव जे वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करता है तो एक आदमी कहता है, मेरी तो मुंबई की फ्लाइट है, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है सर, मुझे जाने दीजिए। दूसरा वाला आदमी कहता है, मेरी तो गोवा की फ्लाइट प्रीपोन हो गई है, मुझे जल्दी फ्लाइट पकड़नी है, मुझे जाना होगा, आप मुझे जाने दीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। तीसरा वाला आदमी कहता है, मैं तो वॉशरूम गया था, अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता कि फोन किसने चुराया। डिटेक्टिव जे ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, उसमें कुछ भी साफ से नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तो कोई क्लू मिला ही नहीं, चोर ने चोरी करने से पहले अपना मुंह ढक रखा था, अब कैसे पकड़ा जाए। तभी एयरपोर्ट पर लगे बोर्ड को डिटेक्टिव जे ने ध्यान से देखा और वो समझ गया कि कौन सा वाला आदमी झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, सोचिए और बताइए। दूसरा वाला आदमी झूठ बोल रहा है, उसने कहा कि उसकी गोवा की फ्लाइट प्रीपोन हो गई है, जबकि बोर्ड पर तो कोई भी गोवा की फ्लाइट नजर नहीं आ रही है, तो वो प्रीपोन कैसे हो सकती है, इसका मतलब वो बहाने बना रहा है। डिटेक्टिव जे ये बात समझ जाता है और उसको पकड़ लेता है। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बैग की तलाशी लेनी है अभी के अभी। लेकिन क्यों, आपको मेरे बैग की तलाशी क्यों लेनी है? क्योंकि तुम ही चोर हो, तुमने कहा कि तुम्हारी फ्लाइट प्रीपोन हो गई है, जबकि आज तो कोई गोवा की फ्लाइट है ही नहीं। चुपचाप अपने बैग चेक करवाओ, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं, समझे तुम। डिटेक्टिव जे ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसे फोन भी मिल गया और उसे कई सारे डिवाइसेस भी मिले जो शायद पहले चोरी के होंगे। इससे डिटेक्टिव जे समझ गया कि ये चोर बहुत ही शातिर है और यही इसका काम है। ऐसे ही ये कई और चोरियों को अंजाम दे चुका है। डिटेक्टिव जे ने उसे पकड़ लिया और उसे इंस्पेक्टर सिम्हा के हवाले कर दिया। केस सॉल्व, डिटेक्टिव जे रॉक्स। एक गांव में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी खेत में आलू उगाते थे। बेटी पीलू, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, इस बार हमारा पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसे बबली कहती है। तो पीलू बोलती है, हाँ माँ, इस बार हम अपना घर भी खरीद लेंगे। लेकिन जब माँ बेटी बाजार पहुँचती तो देखती है कि वहाँ पहले से बहुत आलू बेचने वाले किसानों की भीड़ है और उन्हें बहुत कम दाम मिल रहा है। तो पीलू कहती है, इतने कम दाम में तो हमारी मजदूरी भी नहीं निकलेगी, हम इतने कम दाम में अपने आलू की फसल क्यों बेचें? तो कड़क सेठ कहता है, देखो चिड़िया, बेचना है तो बेचो, नहीं तो अपने घर में इस आलू को रख लो और वहीं पर इसे सड़ने दो। लेकिन बबली और पीलू ने निर्णय ले लिया कि आलू नुकसान में नहीं बेचेंगे। फिर वो दोनों घर वापस आ जाती है। उनके पीछे सुंदरी कवि और हरिया तोता भी आ जाते हैं। ये कड़क सेठ बहुत चालाक है, हमसे इतने सस्ते दामों में आलू खरीद रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 गुना ज्यादा दाम में बेचेगा, 100 का माल 1000 रुपए में, ऐसे हरिया बोलता है। तो सुंदरी कहती है, लेकिन हम अगर आलू उसे नहीं बेचेंगे तो घर में रख कर क्या करेंगे? तो पीलू कहती है, हरिया काका, हम क्यों नहीं कंपनियों को सीधे आलू बेच सकते? नहीं, वो कंपनियां क्या करती है इन आलू का, चिप्स ही तो बनाती है ना, हम भी अगर कोशिश करें तो? तो हरिया कहता है, अरे बेटी, इतनी मेहनत कौन करेगा, उसके लिए तो मशीन चाहिए होती है। तो सुंदरी बोलती है, मेरा भांजा बबलू इंजीनियर है, उससे पूछ कर देख सकते हैं। हाँ,
अगर वो हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीलू की बात सुनकर बबली कहती है, लेकिन हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर चिप्स बनाने की मशीन काम नहीं आई तो ये आलू ऐसे ही सड़ जाएंगे और हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, बबली बोलती है। इसके बाद बबलू उन सब से मिलता है। मैं आपको आलू चिप्स की मशीन बना कर दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबलू के बनाई हुई मशीन से सभी के आलू काम में लगते हैं और आलू का छिलका छीलकर उनकी कटाई होती है, फिर धुलाई होती है और फिर उन्हें हवा के ब्लोअर से सुखाकर तलने दिया जाता है। हम सभी ने इसमें अपनी अपनी कमाई के पैसे लगाए हैं, ये हमें बहुत मुनाफा कराएगी। ये बात कड़क सेठ तक पहुंच जाती है। इस गरीब पिद्दी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मुझसे फसल नहीं बेचा और खुद आलू की चिप्स बना रही है। मैं उसकी मशीन में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेगी। उस रात कड़क सेठ अपने आदमियों के साथ पीलू की मशीन को जलाने के लिए जाता है। बबलू उसे रास्ते में देख लेता है। अरे इसे मजा चखाना होगा। फिर जैसे ही कड़क के आदमी मशीन में आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जोर से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कड़क को भी चिड़िया पकड़ लेती है। कड़क सेठ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हम गरीबों को नुकसान पहुंचाने आए थे। वो अच्छा हुआ बबलू जी ने तुम्हें देख लिया, अब तुम और तुम्हारे आदमी जेल में सड़ेंगे। फिर कड़क को जाबाज इंस्पेक्टर जेल में डाल देता है। अपनी बहादुरी के कारण बबलू पीलू को पसंद आ जाता है और पीलू की मेहनत देखकर बबलू उसको पसंद करने लगता है। फिर दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर सुंदरी और हरिया काका के साथ चिप्स की कंपनी खोल लेते हैं। इस तरह से बाकी के किसानों की भी मदद करते हैं। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां की लोगों को अपनी प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य के मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य की पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला, हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी आप ऐसा मत कहिए, हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं, सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकैत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकैत बोलता है, अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है। आचार्य जी मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपके शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकैत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है, आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गाँव में खत्म करके दूसरे गाँव तीसरे गाँव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकैत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे मेरे हाथों को
चोरी करने की आदत हो गई है, छूटी नहीं रही है। आचार्य, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बनके जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकैत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूँगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा, आज से ही मैं जो भी चोरी करूँगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकैत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकैत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरु जी कितने दिन हो गए लेकिन वो डकैत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका बताया हुआ बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी ये कैसे हो सकता है? उस डकैत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है, और यह बात उसे समझ में आ गया है, और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है, और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गाँव में रहने वाला वह डकैत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी, मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ, उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की, भले ही मैं कुछ दिन भूखा था मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को सवार रहा हूँ, कहते हैं ना श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है, आपके आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य के मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकैत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, अब तो तुम सदाचारी बन गए हो, तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गाँव निकल पड़ते हैं।